अजमेर के अलवर के थाने में रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। पीड़ित अधिकारी ने शिकायत में बताया कि एक भीलवाड़ा की रहने वाली महिला ने मोबाइल रिचार्ज करवाया और पैसे देने के लिए उसे भीलवाड़ा बुलाया, जहां उसने उसके साथ गलत काम करने का दावा बनाते हुए उसे फंसा दिया और उससे बलात्कार की रिपोर्ट की धमकी देकर 40 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। इस मामले में एक अधिवक्ता भी उसके साथ शामिल है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए एसआई शंकरलाल खींची ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली एक रेलवे अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दोस्ती फेसबुक पर एक महिला के साथ हुई और उसने उसे रिचार्ज भी करवाने के लिए कहा, जिसके पैसे लेने के लिए वह भीलवाड़ा बुलाया गया और उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में इस मामले में ब्लैकमेलिंग करते हुए फंसाया जा रहा है और इस मामले में बचने के लिए 40 लाख रुपए की डिमांड की गई है। पुलिस ने इस मामले में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के बयान के आधार पर इस मामले में भीलवाड़ा पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई करते हुए पूछताछ कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कल दिनांक 25 फरवरी को परिवादी हेमेंद्र शर्मा श्रीमान एसपी कार्यालय में पेश होकर एक रिपोर्ट पेश करता है कि एक माह पूर्व मेरी मनीषा शर्मा नामक महिला जो भीलवाड़ा की रहने वाली से मोबाइल से संपर्क हुआ था, जिसमें कुछ दिन पहले मुझे एक रिचार्ज करने कहा था, मैंने रिचार्ज भी कराया था। फिर उसका फोन आया कि रिचार्ज के पैसे आप मेरे से भीलवाड़ा के ले जाओ। इसमें 20 तारीख को मैं भीलवाड़ा गया था और मुझे अपने कमरे में बैठा के कमरा बंद करके मेरे को कुछ गलत काम करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मैं वापस अजमेर आ गया था। अब उसके बाद मुझे मेरे पास से वहाँ के मनीषा शर्मा का लड़का एक अग्रज वकील बता रहा है कि मैं वकील हूँ, आप हमें 40 लाख रुपये दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया है, बयान के परिवादी के बयान ले लिए हैं और अब ये लौट जाकर गरीब अनुसंधान होगा तो मामले का खुलासा होगा। वीडियो वीडियो को नहीं क्या? नहीं, वीडियोग्राफी के जैसे कुछ नहीं कहा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं बनाया है, लेकिन उसके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। क्या नाम है परिवादी? क्या कर परिवादी हेमेंद्र शर्मा जो रेलवे स्टेशन में बांदरवाड़ा पर स्टेशन मास्टर है और वर्तमान में बांदरवाड़ा ही है। आरोपी जो है कौन कौन इसमें मौजूद है? आरोपी में इसमें मनीषा शर्मा बता रहे हैं, मनीषा शर्मा का लड़का है पीयूष शर्मा और अग्रेश जोशी है जो वकील बता रहा है अपने आप को, ये लोग इसमें शामिल होना। दो पुलिसकर्मी भी बता रहे हैं, दो पुलिसकर्मी भी आए थे, इनका नाम पता नहीं जानता हूँ, बाकी वो आए थे। उन्होंने कहा था कि आप ये लोड़ा चलना हमारे साथ में, इसका फैसला करेंगे। इन धाराओं में दर्ज कर लिया मामला, मुकदमा 389 आईपीसी में दर्ज किया है। जांच जांच ऐसे शंकरलाल खींची।